नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में एक प्याला गर्मा गर्म सूप पीने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम मशरूम का सूप बनाएंगे। मशरूम का सूप बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो आइए मशरूम का सूप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पैकेट मशरूम लिया है, 200 ग्राम मशरूम है, और 2 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है, 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून क्रीम कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून एक नींबू ले लिया है, 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच ताजे क्रस्ट काली मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। तो सबसे पहले हम मशरूम को काट करके तैयार करते हैं। मशरूम को हम एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, इन्हें धोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर इन्हें पानी से धोएं तो इनके अंदर पानी अंदर तक काफ़ी भर जाता है, तो इन्हें बस कपड़े से पोंछ करके साफ कर लेते हैं। मशरूम को अब हम काटेंगे, थोड़ा सा हम किनारे से काट करके हटा देंगे जो काला काला दिख रहा है, बाकी हम मशरूम को स्लाइसेस में पतला पतला काट लेंगे। और इसके बाद एक बार और इसके 2 या 3 टुकड़े कर देते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में मशरूम कट करके तैयार हो जाए। ये हमने सारे मशरूम काट करके तैयार कर लिए। पैन गरम हो गया है, पैन में हम ये बटर डाल देंगे। बटर हम 1-2 टेबल स्पून अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। और बटर में हम ये अदरक का पेस्ट डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद हम ये मशरूम डाल देंगे। नमक भी डाल देते हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। काली मिर्च भी डाल दें। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक कर के धीमी गैस पर 3-4 मिनट पकने देंगे। चार मिनट हो गए हैं और हम मशरूम को चेक करते हैं, मशरूम के अंदर से कितना जूस निकल आया है, और 1-2 मिनट इसे पकने देते हैं। मशरूम बहुत ही जल्दी पक कर के एकदम नरम हो जाते हैं। ये मशरूम हमने 4 मिनट धीमी गैस पर ढक कर के पका लिए हैं और 2 मिनट हमने खुले पका लिए हैं। मशरूम पक कर के तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हम इसमें से 3/4 मशरूम निकाल करके पीस लेंगे और 1/4 मशरूम साबुत टुकड़े कढ़ाई में छोड़ देंगे। तो ये मशरूम हम पीस लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अब हम इन्हें हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये मशरूम हमने पीस करके तैयार कर लिए हैं और इसमें थोड़े से मशरूम हमने साबुत टुकड़े बचाए थे। अब हम पैन में ये पिसे हुए मशरूम भी डाल देंगे। गैस ऑन कर देते हैं। ये हमने 1 कप पानी डाल दिया, 1 कप पानी और डाल देंगे, यानी कि हम 2 कप पानी डाल देंगे। और अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर को हम पानी में घोलेंगे, थोड़े से पानी में घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी हमने डाल लिया, बस 2 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लोर को बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेंगे। सूप में उबाल आ गया है, जो हमने कॉर्नफ्लोर खोल करके रखा है मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे और हम इसे 2-3 मिनट तक इसी तरीके से उबलते हुए पकने देते हैं। बीच बीच में चला देंगे 1-2 मिनट में। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट और पका लिया और अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे। तो ये हम आधी क्रीम हम इसमें डाल दे रहे हैं
और आधी क्रीम से हम ऊपर से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। और अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो जिस समय हमने बटर डाला था पैन में और थोड़ा सा अदरक डाला था, उस समय आप एक प्याज बारीक काट करके बटर में डालें और उसको हल्का सा गुलाबी होने तक भूनें। इसके बाद जिस तरीके से हमने मशरूम डाल करके पकाए हैं उसी तरीके से पका लें। ये हमारा सूप बनके तैयार है। और अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और सूप को अब हम सर्व करेंगे। और अब हम इसकी क्रीम से गार्निश कर देते हैं। मशरूम सूप बनकर के तैयार है। बहुत ही अच्छा सूप बना है। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट भी है। और इतना सूप 2 या 3 लोगों को सर्व कर सकते हैं। आप मशरूम सूप बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।